और जी नमस्कार सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आज हम एक बहुत स्पेशल जगह जाने वाले हैं। हमारे साथ में एक स्पेशल आज गेस्ट आ रहे हैं हमारे क्या हाल है दोस्तों क्या हाल है तो मिल चुका हूँ इनसे बाहर लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंट्रो हमने दोबारा शूट करा। सो कैसा लग रहा है भैया आपको? बढ़िया लग रहा है, काफी एनर्जेटिक फील हो रहा है ना? बहुत एनर्जेटिक हो रहा है। आज हम जिस जगह जाने वाले हैं वो दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगह है, बहुत सारे टूरिस्ट स्पेशली उसको विजिट करने के लिए दिल्ली आते हैं। दिल्ली का लैंडमार्क है, लैंडमार्क है। तो जिस जगह हम जाने वाले हैं उस जगह का नाम है लाल किला। लाल किला, रेड फोर्ट जी, शाहजहां का। गाइस जब भी इस तरह की हवा चलती है ना इसका मतलब है कि मेट्रो आपके रॉकेट आ चुका है, आसपास है। भैया कश्मीरी गेट खुलवाओ तो सही यार। अभी खुला, खुलता है, रुक जा, खोलो खोलो। ये लो, ये हुई क्या बात है। गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग लाल किला मेट्रो स्टेशन पे। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ही बढ़िया मौसम है। तो भैया चले? हाँ, चाट पकौड़ी खाते हुए चलेंगे। अभी नहीं यार, वापसी के टाइम पे। अभी नहीं, अभी नहीं, नो नो। और ये आ चुका है हमारी भारत की शान, आन बान शान, हमारा लाल किला। गाइस यही वो जगह है जहाँ पे जबरा खान गाने की भी शूटिंग हुई थी, आपने देखा होगा ना, शाहरुख खान ऐसा ऐसा पंखा घुमा घुमा के स्टेप कर रहा था। और ये पंखा भी, ये भी घुमाएंगे अभी थोड़ी देर में यहाँ पे। वो मैं घुमा चुका हूँ गाइस, कॉलेज वॉलेज में मेरे फ्रेंड लोग जानते हैं, वो मैं घुमा चुका हूँ। फिर भी एक बार हो जाए सब्सक्राइबर टेल नहीं गाइस देखने जाते हो तो चलो ठीक है, लेट्स सी, लेट्स सी। लाल किले के अंदर घुसा भी नहीं कि एक रील पहली बन गई। यार ये हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, ओनली फॉर माय प्रिय सब्सक्राइबर्स यार, आप लोगों के लिए। गाइस यहीं से मोदी जी हर 15 अगस्त वाले दिन हमें संबोधित करते हैं अपनी स्पीच दे करके, है ना जी। यही वो जगह है, देख सकते हैं आने वाला 15 अगस्त है। हां, उसमें मेरे को इनवाइट तो किया है। बस 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 वहीं थम जाओ। गाइस ये है इनका टिकट काउंटर यहाँ पे एकदम बेसमेंट में। तो यहाँ पे सीन ये है कि आप सिर्फ कैश से ही टिकट ले सकते हो, ऑनलाइन की कोई फैसिलिटी नहीं है। सो ये आपको लाइन में लगना ही पड़ेगा इस चीज़ के लिए। सो गाइज लाइन में लग के हम लोगों को मिल चुके हैं टिकट जी। एंड यहाँ की टिकट का प्राइस है 80 रुपीज़ पर एडल्ट अगर आप म्यूजियम के साथ देखना चाहते हैं, एंड 50 रुपीज़ पर एडल्ट अगर आप विदाउट म्यूजियम देखना चाहते हैं। तो हमारी तो भैया दो लोगों की टिकट है विद म्यूजियम, हम लोग बिकॉज आपको सब कुछ दिखाना चाहते हैं। एंड ये टिकट को ऐसा फाड़ देते हैं फर्स्ट चेकिंग के बाद में। लाल किले में एंटर करते के साथ ही हमें यहाँ पे दिख चुका है हमारा मीना बाजार। देखिए जितने टाइम से लाल किला यहाँ पे है, मीना बाजार भी लगभग उतने टाइम से यहाँ पर है ना भैया। ये हैंडीक्राफ्ट देख सकते हैं इस तरह से मिलते हैं यहाँ पे, ऑथेंटिक इंडियन एकदम, सब कुछ हैंडमेड है, प्योरली हैंडमेड है। इन भैया जैसे कई सारे शॉपर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छा अच्छा सामान बेच रहे हैं यहाँ पे। ये अपने मतलब का तो कुछ आई डोंट थिंक मिलेगा यहाँ पे। नहीं नहीं यार, अभी तक हमने ज्वेलरी बनाने का किया नहीं है। आप शॉपिंग का बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो यस ये प्लेस आपके लिए है। बाकी काफी सारी चीजें भी है वहाँ पे, डेकोरेटिव चीजें हैं यहाँ पे, शॉल दिखेंगे यहाँ पे आपको, बहुत कुछ दिखेगा, काफी अच्छा है। एक से बढ़ के एक मिल जाएंगे आपको, एप्पल की 10th कॉपी भी मिल जाएगी, 10th कॉपी 12th कॉपी सब मिल जाएगी। गाइस एक और बात, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर लास्ट 25 ईयर्स, मैं पैदा यहाँ हुआ हूँ, बड़ा यहाँ हुआ हूँ, बट मैंने आज तक लाल किला कभी नहीं देखा था। उसने नहीं देखा, हमने देखा, भैया ने तो देखा था 3-4 बार आ चुके हैं। यस, एक आधा मेरे स्कूल से ट्रिप गई थी लेकिन मैं गया नहीं था उसमें। तो यस मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, अगर कई सारे मेरे सब्सक्राइबर ऐसे जो पहली बार देख रहे हैं तो यस गाइस आई एम विद यू इन दिस वन। अंदर से तो अलग ही दिखता है बिल्कुल यार, ये बाहर से मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा सा होगा भाई, बिल्कुल अलग ही है। मतलब ये यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली सारी चीज़ें जो हैं वो वाइट कलर की हैं, जबकि रेड फोर्ट बाहर से तो लाल रंग का ही दिखता है ना। यू नो स्कूल के बच्चे देखिए पिकनिक में आए थे, ये नौबत खाने के नाम से जाना जाता है। ये देखिए गाइस इतना बढ़िया गार्डन है लेकिन यहाँ पे जाना मना है, वरना हम तो यहाँ बैठ जाते हैं ना। सही बात है गाइस, एक्चुअली ये लाल किला जो है ना वो शाहजहां ने बनाया था अराउंड 374 ईयर्स पहले। सो कैन यू इमेजिन गाइस, ये 350 साल से ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है, एंड ये आज की डेट तक इतनी ज़्यादा नहीं लगती है।
सो गाइस ये है दीवाने आम। यहाँ पे शाहजहाँ जो थे वो लोक अदालत या फिर जनता दरबार लगाया करते थे शाहजहाँ जो थे, एंड उनकी प्रॉब्लम्स को सुन के उसको सोल्यूशन देते थे, एंड यहीं पे से वो बैठा करते थे, यही उनका सिंहासन हुआ करता था, एंड यहाँ पे उनकी प्रजा रहती थी। तो यस, यहीं से वो उसका सोल्यूशन देते थे। दीवाने खास आई डोंट नो किधर है, बट या दीवाने आम तो यही है। गाइस आपने मूवी देखी होगी जोधा अकबर, उसमें भी इस तरह का सिंहासन होता था अकबर का, तो सेम ये शाहजहाँ का भी इसी तरह का सिंहासन था। गाइस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं लाल किला के बारे में बताता हूँ। गाइस ये जो लाल किला है इसकी ओनरशिप अभी तक तीन तीन डायनेसिटीज़ के अंदर जा चुकी है। सो फर्स्ट वॉज द मुगल्स, शाहजहाँ ने बिकॉज बनाया था, फिर उसके बाद में मराठास का रूल था यहाँ पे, एंड मराठास के बाद में ये ब्रिटिश रूल के अंदर गया। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ देन इट केम अंडर आवर गवर्नमेंट। हम यहाँ पे ताजमहल टाइप का पत्थर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट आई थिंक यहाँ पे चढ़ना अलाउड नहीं है बिकॉज यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हो रखे। क्या लगता है यहाँ पे क्या हुआ करता था? रंगमंच मारने के लिए अपने चौपाल पे चटाई लगा दी, हुक्का लगा दिया साइड में, बढ़िया अपना you know? ग्रीन ग्रीन चिकन चल रहा है साइड में, खुली हवा के बीच में ना 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 होटल खोल के यहाँ बैठ जाते होंगे। सही बात है, दोनों टाइम सही चिल तो करते होंगे, टाइम चिल तो करते होंगे। सही है। सो गाइस हम लोगों ने बिल्कुल सही कहा था। ये एक्चुअली हमाम नाम से जगह का नाम है इसका। तो यहाँ पे एक्चुअली ये रेस्टिंग प्लेस ही हुआ करता था, जैसे अंकित भैया और मैं दोनों के दोनों डिस्कस कर रहे थे, वाइब आ जाती है यहाँ पे, सेम टू सेम वही हुक्का हुक्का चलता था वहाँ पे लोगों का। मुझे लगता है कुआं है। हाँ मुझे भी कुएं लग रहा है, या फिर किसी को जैसे कि कोई गलत काम करता होगा ना, हाँ इस ऐसे उसको कुएं में डाल देते होंगे, उसका सजाए मौत दी जाती थी उसके कुएं में, काला पानी कुएं में धक्का काला पानी पीता था फिर वो कुएं में जाके। अरे अलग तो रहा था जरूरत है वो भाई। भाई दोस्त लोगों ये बिल्कुल सच बात थी कि काला पानी की सज़ा यहाँ पे दी जाती थी 100%। फ़ोन का ध्यान रखना पड़ेगा भाई, मैं तो बहुत दूर जा रहा हूँ उससे, बिकॉज उस काले पानी के अंदर से अपना फ़ोन वापस नहीं मिलेगा। भैया नहीं, भैया मैं आपको ये करने नहीं दूंगा, नहीं भैया मैं आपको करना। अरे भैया गाइस लंदन के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जहाँ लोग दूर दूर से पढ़ने आते हैं, दूर दूर से पढ़ने आते हैं। हमारे इंडिया के अंदर रेडफोर्ट यूनिवर्सिटी है, तीन स्टेशन दूर है रेडफोर्ट यूनिवर्सिटी है। आप चाहे तो कॉरेस्पॉन्डेंस का कोर्स यहाँ से कर सकते हैं, दिल्ली मेट्रो स्टेशन लाल किला मेट्रो स्टेशन। से अपना रास्ता इधर से कि इधर से रास्ता इधर से जा रहा, तो इधर से चल ये रास्ता भूतिया रास्ता। हाँ भाई साहब यहाँ से कहाँ से रास्ता आ गया, ये लग रहा है अब, ये लग रहा है 350 साल। वो देखो भैया कर रहा है इशारा, देखो पीछे से कर रहा हूँ। हाँ भैया नहीं जा सकते, नहीं ना भूत आते हैं भूत। चलो फिर। अरे बंद हो गया गाइस, अरे ये तो हमने बंद किया, हमने बंद किया। ओ ओ ओ भाई शाहजहाँ की आत्मा आती है यहाँ पे। यार यही तो नहीं म्यूजियम, वहाँ से है ना, वहाँ से होगा, वहाँ से होगा, अरे वहाँ से होगा। हाँ भाई भाई रेडफोर्ट यूनिवर्सिटी असली में रेडफोर्ट म्यूजियम निकला, हमें तो यही लग रहा था, है ना भाई। टिकट का टाइम आ गया भाई, फाइनली हम लोग आ चुके हैं म्यूजियम के अंदर। यहाँ पे आते के साथ ही ये देखिए, आई थिंक जलियांवाला बाग के जितने भी हमारे मार्टिर्स हैं ये पोर्शन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। 13 अप्रैल 1919 जिस दिन वो जलियांवाला बाग त्रासदी हुई थी। और ये म्यूजियम डेडिकेटेड है पूरी की पूरी मुगल हिस्ट्री को। गाइस हम उस रूम में पहुंच चुके हैं जहाँ पे मुगलों के ज़माने के ऑर्नामेंट्स लगा करते थे। सो आप ये देख सकते हैं मुगलिया ज़माने की तलवारें यहाँ पे रखी हुई है। ये स्वॉर्ड जो है नाना साहेब पेशवा की है जी, जो कि मराठा डायनेसिटी को बिलोंग किया करते थे। आपको गाइस ये ऑथेंटिक तीर कमान ये देखने को मिलेगा, ये देखिए इस तरह बहुत ही एंटीक न्यूज़पेपर है, सन 1857 का न्यूज़पेपर, ये देखिए अच्छे से एंगल से देखिए। ये देखिए गाइस जो जो हेरा फेरी 2 के शौकीन है ये सारी की सारी एंटीक बंदूकें जो कि कचरा से स्मगल करता है ना
ये देखो उस नकल्स पे डालते हैं, ये कटार बोलते हैं उसे भी। तो ये कटार हुआ करती थी, मराठा एम्पायर की होती थी एक्चुअली। तो ये देखिए बहादुर शाह जफर की तलवार, मतलब ये मुगलिया तलवार है, बिल्कुल ओरिजिनल है। गाइस ये बहादुर शाह जफर का गाउन है, ओरिजिनल गाउन है। देखिए किस तरह से ये पूरा का पूरा हाथ से काम, मे भी हो सकता है कि ये सोने का काम हो रखा है उसके ऊपर। गाइस लाल किले का ये तीसरा और आखिरी म्यूजियम है, जो कि हमारी इंडियन आर्मी और हमारे प्यारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए समर्पित। और ये देखिए गाइस बिल्कुल ओरिजिनल नेताजी की टोपी, ये टोपी वो कभी पहना करते थे, बिल्कुल ओरिजिनल है यार। कितनी शान की बात है कि हम लोग इसको लाइव देख सकते हैं लाल किला में आके, है ना। अभी तक मुगलिया तलवार तो आपने देखी, ये देखिए नेताजी की खुद की तलवार गाइस, नेता सुभाष चंद्र जी की खुद की तलवार, आजाद इन फोर्स के सोल्जर का आइडेंटिटी कार्ड, ये देखिए जनवरी 1943, ये देखिए बिल्कुल ओरिजिनल आई कार्ड है गाइस। ये है रेड फोर्ट का कैफेटेरिया, यहाँ से हम लोग अभी हल्की फुल्की रिफ्रेशमेंट लेंगे एंड फिर वहाँ से चलेंगे खा पी करके अपना चांदनी चौक। कैफेटेरिया से खाना आ चुका है और हमने मंगाया अभी वेज सैंडविच दो एंड एक पानी की बोतल। बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, पिज़्ज़ा वाली फीलिंग आ रही है पूरी, बहुत टेस्टी है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, वेज सैंडविच बहुत अच्छा है इनका। गाइस घूम फिर लिए हम लोग मस्त, अभी अपना हल्का फुल्का हमने खाना वाना खाया, इसके बाद में और अच्छा खाना खाने के लिए हम लोग जा रहे हैं चांदनी चौक यहाँ से, जो कि बहुत पास है ना, एक करोड़ पार करनी है चांदनी चौक। क्या भैया चलना है क्या है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टाइम पे गाइस आपने इनका एक्सप्रेशन देख लिया होगा, बिल्कुल बिल्कुल। गाइस जा रहे हैं हम लोग चांदनी चौक और ये हम लोग फाइनली एंटर कर गए इसके अंदर। गाइस ये हमारा शीशगंज साहिब गुरुद्वारा, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं गाइस बहुत ही फेमस पराठे वाली गली में, मेरे को ट्राई करने थे कि यहाँ के पराठे होते कैसे, इतना फेमस वाली क्या बात है उसमें, है ना भैया। आपको चांदनी चौक के पराठे खिलाते हैं, चलिए चलिए चलिए, चलो भाई चलते हैं फेमस चांदनी चौक दी पराठे वाली गढ़ी। हम लोग जा रहे हैं इधर पंडित जी कन्हैया लाल पराठे वाले के पास, इधर हम लोग जाते हैं और खा के आपको बताते हैं कि कैसा है। भाई जी देखिए किस तरह से पराठा बनाया जाता है यहाँ पे, हमने दो पराठे मंगाए, एक है ये गोभी पराठा और एक है आलू पराठा। भाई यहाँ के पराठे में एक बात ये देखिए कि ये ना तवे पे सेका हुआ नहीं है, ये है डीप फ्राइड। तो हम लोग उत्तराखंड से, हम लोगों के ना उत्तराखंड के अंदर इस डिश को पराठा भी बोलते हैं, कई लोग कचौड़ी बोलते हैं, लेकिन हमारे में सवाल या सवालू बोलते हैं। बढ़िया, आलू के साथ में पनीर और पता नहीं क्या क्या मिक्स कर रखा है, ये बनाना की चटनी है, बनाना की चटनी है, आलू की, आलू की सब्जी है एंड बहुत कुछ है। लेट मी ट्राई द गोभी का पराठा है उसमें, अच्छा है, मेरा तो आलू पराठा अच्छा लगा, बट ये नहीं बहुत अच्छे पराठे हैं। आप लोगों को हमेशा ऐसी भीड़ दिखेगी यहाँ पे, कभी भी आ जाओ पराठे वाली गली। ये देखें यहाँ पे ये एकदम शॉप वाली गली है, कई तरीके के छोटे छोटे बिजनेसेस हम आने वाले हैं अब करीम्स बिरयानी कॉर्नर में, यहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है, इसके लिए आप बिलीव नहीं करोगे हम लोग 2 किलोमीटर पहले चल के आए हैं, पूरी चांदनी चौक की गलियाँ घूम घूम के, है ना। तो वर्ल्ड फेमस इनकी चिकन बिरयानी है, हम उसको लोग ट्राई कर रहे हैं अभी, खा के बताते हैं ना टेस्ट कैसा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, टेस्ट तो है यार, टेस्ट तो है, काफ़ी बढ़िया बात है था यार इतना दूर पहले चल के आना। भाई हम लोग आ चुके हैं जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन, बाकी सब तो ठीक है भाई, सब पैरों में ऐसा दर्द हो रहा है ना, मेरे तो हो रहा है भैया, इनके नहीं, मैं तो अभी देखो देखो भाई, लिटिल चेंज ऑफ प्लान्स एक्चुअली, अब हम लोग घर नहीं जा रहे सीधा डायरेक्टली, अब एक मूवी रिलीज हुई है नई क्रीड 3, मेरा बहुत मन था देखने का, मैंने बहुत वेट करा उसके लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग निकल चुके हैं तो आज ही देख डालते हैं उसे। और भैया को भी बॉक्सिंग का काफ़ी शौक है, जिम में एंथुजियास्ट है, तो इसीलिए भैया भी कह रहे हैं चलो यार लगे आकर चलते हैं, चलते हैं। गाइस फाइनली मूवी हो चुकी है ओवर, हमने देख लिया है एंड भैया ने क्रीड 1 और 2 नहीं देखी लेकिन इन्होंने 3 देखी, तो आप बताओ पहले मेरे को कि कैसी लगी आपकी मूवी। बहुत अच्छी थी, बहुत इंगेजिंग थी, मोटिवेट हो चुका हूँ मैं,
सो गाइस इसी के साथ में हो आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छे कमेंट्स कीजिए एंड होपफुली मैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीक मिलता हूँ, एक नए एडवेंचर के साथ, एक नए फन लर्निंग ब्लॉग के साथ फॉर श्योर। क्या पता बॉक्सिंग करता रहे मैनू आप कुछ करा दें। तो ठीक है गाइस, चलिए इसी के साथ टेक केयर एंड यस गुड बाय, पीस आउट। अरे भाई सरपंच जी क्या हाल है? क्या भाई कवर? शोभित नाम है, शोभित दयाल। कर दो यार सब्सक्राइब कर देते तो ब्रो। भाई सब्सक्राइबर अच्छा मिल गया, होने वाले हैं, होने वाले। अच्छा।